वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मूवमेंट कर रहे हैं। आपको जो आज व्यू दिखाने वाले हैं ना, गुड मॉर्निंग भाई लोग, आपके चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम बताने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं, वो BTR का जंगल सफारी ही है। और लेकिन रूट अलग है, तो हम लोग अभी अपन लोग जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि दूसरे रूट में है क्या देखने लायक, व्यूज़ क्या है, उसके सीन्स क्या है, क्या देखा जा सकता है, टाइगर देखे जा सकते हैं, नहीं देखे जा सकते हैं। तो उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप वाल्मीकि नगर पहुँचना चाहते हैं तो वाल्मीकि नगर का सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। और अगर आप टूर पैकेज के साथ वाल्मीकि नगर आना चाहते हैं, सब कुछ जंगल सफारी, उसका वाल्मीकि नगर का साइट सीन्स और जो भी है टूरिस्ट प्लेस देखना चाहते हैं, तो आप वाल्मीकि यात्रा को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका भी पूरा डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। तब अपन लोग चलते हैं और काम 25 करते हैं। तो अभी 7 बज चुके हैं, फिर हम लोग अब निकलेंगे, क्योंकि प्लान सुबह सुबह का ही है। तो अपन लोग जाते हैं अभी और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का व्यूज़ क्या है। तो चलते हैं दूसरे रूट पे, तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं। और ये है जंगल कैंप, तो यहीं से बुकिंग करना पड़ता है। देखिए सारे सफारी यहीं पर लगे हुई है। पहले वीडियो में मैंने बताया नहीं था, अभी बता दे रहा हूँ, तो आप यहीं से आके कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, तो यहाँ एंट्री होता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सामने से धूप की किरणें आ रही है, तो उतनी अच्छी फ्रेश नहीं दिख रही मुझे। कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे अखिलेश भैया, जो कि हमें पूरी जंगल के सैर कराएंगे। से आए भैया। हाय। और ये हनी भी है। हाय। हाँ, तो आगे की बातचीत हम गाड़ी में बैठे बैठे करेंगे, अब चलते हैं। और अब हम लोग ऑफिशियली एंट्री कर चुके हैं BTR में, और अब अपना काम 25 करते हैं। और इस साइड जो जाती है जटाशंकर टेम्पल और वाल्मीकि आश्रम के, ये इधर से जाया जाता है, सामने आपको दिख रहा होगा। और ये जो रूट है, यहाँ से हम लोग प्रॉपर जंगल में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो ये अभी हम लोग जनरल रूट पे आए हैं, सफारी रूट यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा। और जो भी आपको यहाँ पे जो दिखेगा, हाँ, सारा नेचुरल दिखेगा। ओ। आपके जो लक में रहेगा वो आपको दिखाएंगे हम। ओके, ओके। जो भी जानवर है यहाँ पे, बहुत सारे एनिमल्स है। हाँ। बाकी आपके जो लक में होगा, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो दिखेगा वो आपको दिखाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। तो अभी बहुत मजा आ रहा है, और साथ में मेरे सुमित भाई, सुमित भाई से आए। तो हम लोग अभी आज प्लान बनाए कि सुबह सुबह हम लोग जाते हैं। तो अभी हम पूछेंगे गाइड से कि यहाँ क्या है, क्या कैसे है, और टोटल डिटेल्स जो है आपको हम अभी बताएंगे। तो अभी हम लोग को जंगल में एंट्री करते ही एक खतरनाक सांप दिखा है, जो कि बहुत दिखने में खतरनाक है। तो अभी ये मूवमेंट कर रहा है, तो अभी हम लोग भी निकलते हैं आगे। तो हनी भी आप बताइए कि यहाँ क्या क्या देख सकते हैं, कैसे क्या है। देखिए, जो भी जानवर जो है ना, हाँ जी, यहाँ पे अभी बिग कैट में दो है। अच्छा। एक लेपर्ड, हाँ, और टाइगर। ओ, कितने संख्या है टाइगर की? टाइगर की संख्या 40 प्लस में आ रही है। अच्छा अच्छा। ये जंगल दो जंगल से अटैच है। अच्छा। जस्ट बगल में हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल, उसका जंगल चितवन नेशनल पार्क। अच्छा। वो इससे कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जस्ट बगल में यूपी साइड में जाएंगे। अच्छा। तो वहाँ का सुवी बरवा रेंज। अच्छा, सुवी बरवा रेंज। हाँ, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्या होता है, यहाँ से एनिमल्स वहाँ जाते हैं। हाँ। और वहाँ से यहाँ आते हैं। ओके, ओके। ये सिलसिला कंटिन्यू जारी रहता है। कि आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ जी। रहा बात की ये सफारी है, देखिए इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में पिकॉक, ये मेल है, कितनी खूबसूरत है ये। ये जो फॉरेस्ट है बिल्कुल नेचुरल है, ये फॉरेस्ट काफी लंबा चौड़ा एरिया में फैला हुआ है, लगभग 901.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो टाइगर रिजर्व है, दो डिवीजन में बंटवारा किया गया है, और 8 रेंज है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का। डिवीजन 2 में आप सफारी कर रहे हैं,
एक्चुअली इसमें 5 रेंज है और डिवीजन 1 में 3 रेंज है। दोनों डिवीजन को मिला के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बनाया गया है। 8 रेंज है। डिवीजन 2 में केवल वाल्मीकि नगर ही सफारी होती है। एक्चुअली आपको डिवीजन 1 में भी सफारी होती है मगुराहा गोवर्धना में, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं सफारी। ये जो भी पेड़ पौधा देख रहे हैं सब नेचुरल है, कोई प्लांटेशन नहीं किया गया है। और रहा बात टाइगर का, तो टाइगर यहाँ बिल्कुल ही नेचुरल है। 45+ आसपास में अभी टाइगर का जनसंख्या है। टाइगर से जैसे कि लेपर्ड भी है, हाइना है, वाइल्ड डॉग है, स्लॉथ बियर है, राइनो है। अच्छा, छोटे छोटे बहुत से एनिमल्स हैं। ज़्यादा जैसे कि एंटेलोप स्पीशीज में देखा जाए तो सबसे बड़ा सांभर है। अच्छा, उससे छोटा स्पॉटेड डियर है, उससे छोटा हॉग डियर है, उससे छोटा सांभर। उसके अलावा नील गाय है, स्लॉथ बियर है, वाइल्ड डॉग है, वाइल्ड बोर है। कैट का क्या बोल रहे थे अभी आप? कैट का देखा जाए तो सबसे बड़ा है, कैट का ही प्रजाति है टाइगर। अच्छा, उससे छोटा है लेपर्ड, हाइना भी है यहाँ पे। ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे ना, हाँ जी, तो इंडिया को ये पेड़ गिफ्ट किए थे। अच्छा, टिकुल का? हाँ, टिकुल का। ओके, ओके। साइंटिफिक नेम होता है टिक्टोना ग्रैंडिस। एक्चुअली आम्स का जब बनता है ना, हाँ जी, उसमें इसी लकड़ी का यूज भी होता है। ये जो भी पेड़ यहाँ देख रहे हैं टिकुल का, अच्छा, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि प्लांटेशन है। हाँ। तो जो भी देख रहा है सब बर्ड वॉचिंग का काम है। तो इधर से उधर बीज उठा के गिरा देना तो फिर प्लांटेशन जैसा हो गया। ओके, यहाँ पे प्लांटेशन नहीं हुआ। नहीं, और ये तराई क्षेत्र में आता ना भैया? तो तराई क्षेत्र क्या होता है, मतलब आप बता सकते हैं तो बताइए सर। साल, ये टिकोट, शीशम, ये सब ज्यादा पेड़ आपको मिलेगा। आसन, आसन का पेड़ है, जैसे ये साल है। तो मतलब तराई क्षेत्र कहते हैं किसको है, किस किस चीज से रिलेटेड होता है? जो हिमालय के जो भी तराई क्षेत्र है ना। अच्छा, हिमालय सटे हुए, हिमालय से जो नजदीकी सटा हुआ है, ढलानुमा टाइप का होता है। ओके, ओके, उसी को तराई क्षेत्र। ओके, तो और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, मतलब इंडिया में कितना नंबर पे आता है, मतलब उसका नंबरिंग क्या है? 18 नंबर पे आता है। 18 नंबर पे आता है लगभग पूरे इंडिया में, लगभग 50 के आसपास में अप्रोच है वाल्मीकि टाइगर। हाँ जी। और ये सामने एक और सफारी आ रही है, तो आप देख सकते हैं। तो ये रूट जाने का आने का? जाने का है। तो इधर से आ रहे हैं ये लोग? ये लोग उधर से गए होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए इधर से आ रहे हैं। ओके, ओके, ओके। तो जैसे कि भैया ने बताया, तर होता है ढलकाओ टाइप का होता है, तो उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। और होता क्या है यहाँ पे कि जैसे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, उसके बाद जिम कॉर्बेट है, दुधवा है, ये सब टाइप का जो है ना, मतलब वही है, तराई क्षेत्र आता है। और अब हम टाइगर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ बहुत संभावना है कि हम देख सकते हैं टाइगर। तो भाई साहब, हम लोग लकीली टाइगर देख लिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें देख कर वो अंदर की तरफ जा रहा है। पैरासाइट क्लियर आना, लियाना उडी वाइज। अच्छा, लियाना उडी वाइज, लियाना उडी। लेकिन ये सूख चुका है। इस घर को क्या कहा जाता है भैया? थर्माइट माउंट। अच्छा, साइंटिफिक नाम है? नहीं, उसका नाम है वो दीमक का घर है। अच्छा, बहुत सारे दीमक के घर मिल जाएंगे, ये देखिए। और मिट्टी का कलर जो देखिए, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और अंदर आने व्यूज भी इतना खूबसूरत है ना भाई साहब, ये होता है तराई क्षेत्र। और पीछे एक और सफारी आ रही है। अब हम लोग गौर के एरिया में पहुंच चुके हैं और भैया बता रहे कि ये शाम में ज्यादातर मूवमेंट करता है, तो हम लोग देखते हैं कितना लकीली। और सच में हमें दिख गया फिर से गौर। और ये देखिए, ये खुखार टाइप का देख रहा है, देख रहा है कि क्या, कौन हो तुम, क्या करने आए हो। और VTR में आपको इलियाना उल्टी वाइज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सही है भाई साहब। इसका चित्तल का क्या बताए थे आप, साइंटिफिक नेम? एक्सिस, एक्सिस। अलग अलग दिख रहा है, वो भालू है। ओह माय गॉड। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा आगे कीजिएगा तब तो दिखेगा। आगे कीजिए, वहाँ है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे जो बैठा है। हाँ। अरे कितना भाई साहब, बहुत दूर है। तो देखते हैं भैया गाड़ी
ऑफ रोडिंग में घुसा रहे हैं जाएगा तो फिर निकलेगा। और ये देखिए हम हिरन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, और मूवमेंट होने पे ये भागने लगता है, कैसे देख रहा है ये देखिए, देखिए देखिए मूवमेंट हुआ और ये उठकर खड़ा हो चुका है। आंखों को इतना सुकून मिलता है ना हिरन को देखकर, क्या बताएं। और ये हल्का सा भी अगर मूवमेंट होगा तो उसको एहसास होगा, फिर वो उठकर, और देखिए कितना खतरनाक तरीके से देख रहा है वो। और जाहिर सी बात है कि चले ओके ओके, अभी हम भालू की तरफ जा रहे हैं तो देखते हैं वहाँ पे बैठे हुआ है सामने। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं बियर के पास और यहाँ पे दो दो हमें दिख रहे हैं, तो आपको भी दिख रहे हैं। लेकिन अब बियर का साइंटिफिक नेम होता है ना मेलोरस उर्साइनस होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, सिर्फ इंडियन रेंज में ही पाए जाते हैं। तो आप देखिए और देखिए कितना खतरनाक है भाई। आपको जो आज व्यू दिखाने वाले हैं ना, गजब का व्यू है भाई साहब, तो आपको हम दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ से नजारा पूरा वाल्मीकि नगर और नेपाल जो भी है सामने दिखता है भाई साहब। यहाँ टोटल नेटवर्क है, हमने देखा है पूरे जंगल घूम लिया हूँ लेकिन कुछ भी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, टॉप हिल है तो यहाँ से पूरा वाल्मीकि नगर दिखता है। जैसे अखिलेश भैया ने अभी बताया कि हम लोग सामने पुल है, डैम है, बैराज डैम है, और वहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर हम लोग आगे आ गए हैं। और यहाँ क्या है, ये जो हाइट है लगभग 1000 फीट है लगभग, हाँ लगभग 1000 फीट ऊपर है हम लोग। तो अपन लोग को जो दिखा आपको दिखाएं, और अपन लोग अब एंट्री गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और यहीं से एग्जिट भी करेंगे। तो आज का वीडियो जो है, आज का ब्लॉग जो है वो अभी ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगला ट्रिप मोगरा फर्स्ट डिवीजन आता है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का, तो वहाँ देखते हैं कि हम जा सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं वहाँ का सफारी, तो दिखाते हैं। तब तक के लिए